नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा कि हर किसी की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती, ये संभव नहीं है। दरअसल वो मेवात के मसले पर आज बोल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी दूसरी बातों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन मेवात में जो बवाल हुआ, इतना जान माल का नुकसान हुआ, उस पर सत्ता में बैठे चार बड़े नेताओं ने जो कुछ बोला है उस पर चर्चा करते हैं। सत्ता में बैठे चार बड़े नेता, जिनमें एक हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, एक हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं जिनके अंडर पुलिस आती है, एक हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं और एक केंद्रीय मंत्री हैं और उस इलाके के सांसद भी हैं। मोनू मानेसर पर अब सरकार का क्या कुछ कहना है उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले क्या कुछ कहा जा रहा था और अब क्या कुछ कहा जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बिट्टू बजरंगी का भी नाम सामने आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, जो हरियाणा के सीएम हैं और होम मिनिस्टर अनिल विज हैं, इनके बयान एक जैसे हैं तकरीबन इस मामले को लेकर। दूसरी तरफ हरियाणा के डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंह, उनके बयान थोड़े हटकर हैं। बात करते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र हो सकता है, एक बड़ी साजिश हो सकती है, और होम मिनिस्टर अनिल विज भी कहते हैं कि ये कोई एक दिन का मामला नहीं हो सकता, इतना बड़ा बवाल कि एक ही दिन में हो जाए, इसके पीछे षड्यंत्र, बड़ी साजिश हो सकती है। तो होम मिनिस्टर साहब, आपके अंडर पुलिस आती है, इंटेलिजेंस आती है, आपके मुताबिक अगर ये षड्यंत्र है, साजिश हो रही थी, प्लानिंग चल रही थी, तो क्या इसकी खबर इंटेलिजेंस को पता नहीं चली, सीआईडी को, पुलिस को पता नहीं चला कि कौन लोग षड्यंत्र कर रहा है, साजिश कर रहा है, वहाँ पर जो है पत्थर जमा कर रहा है, कहाँ कहाँ पत्थर जमा किए जा रहे हैं? क्या ये इंटेलिजेंस को भनक नहीं लगी या फिर लगी, ये इनपुट थे और सरकार को पता था, उसके बावजूद भी इतने बड़े बवाल को सरकार रोकने में नाकामयाब रही? ये दो बड़े सवाल हैं, है ना। अब दूसरी तरफ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि जो यात्रा के आयोजक थे, उन्होंने पूरी जानकारी प्रशासन को नहीं दी। ये एक बड़ी बात है कि यात्रा के जो आयोजक थे, उन्होंने पूरी जानकारी प्रशासन को नहीं दी, हो सकता है इसकी वजह से ये सब हुआ। वहीं जो राव इंदरजीत सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री साहब से भी मिले हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी प्रधानमंत्री साहब को दी भी है और उनका बयान आया है। उनका कहना है कि धार्मिक यात्रा में हथियार लेकर जाना ये कहां तक सही है, यानी उनके मुताबिक जो यात्रा निकल रही थी उसमें लोगों के पास हथियार थे, तलवारें, डंडे, बंदूकें, यानी हथियार थी। उनका कहना है कि किसी एक वर्ग की ओर से ये नहीं उकसाया गया है, यानी कि उनके मुताबिक ये दोनों ओर से उकसाया गया है, तभी जाकर इतना बड़ा बवाल हुआ है। ये वहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंह का बयान है। अब आपको पता चल गया, सत्ता में बैठे ये चार बड़े नेताओं के बयान हैं। अब आते हैं मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की चर्चा हो रही थी, वहाँ हर कोई चर्चा कर रहा है, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा चल रही है, लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि इनकी वीडियो सामने आई थी, उसके बाद मामला बढ़ा, लोग उत्तेजित हुए थे, यानी मामला वहाँ से शुरुआत हुआ। वरना यात्रा तो हर साल निकलती है, ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर इतना बड़ा बवाल हो गया? लोग मानते हैं कि शुरुआत उन दो वीडियो से हुई। मोनू मानेसर ने क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया होगा, वो अपने वीडियो में जो कह रहे थे कि लोग उस यात्रा में पहुंचे वो भी आएगा, और बिट्टू बजरंगी की जो वीडियो आई उसमें कहा जा रहा था कि आपके जीजा आ रहे हैं, है ना। इस पर जब शुरुआत में अनिल विज से सवाल किया गया मोनू मानेसर के बारे में, तो अनिल विज ने कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है। एक तरीके से अनिल विज ने शुरुआत में उनको क्लीन चिट दे दी, लेकिन आज कह रहे हैं अनिल विज
साहब कि उनकी वीडियो की जांच की जाएगी, स्टडी की जाएगी। मुख्यमंत्री साहब भी बोल रहे हैं कि स्टडी की जाएगी, जांच की जाएगी। और हरियाणा के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कोई भी हो जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, वो चाहे कोई भी हो। बिट्टू बजरंगी का हालांकि ज़्यादा जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन लोग वहाँ की चर्चा कर रहे हैं कि उनकी वीडियो का भी असर काफ़ी वहाँ पर हुआ है। ये तो था वीडियो वाला मामला। अब दूसरी तरफ जो अगर वहाँ पर इतनी पत्थरबाजी हुई, इतनी गाड़ियों को नुकसान हुआ और इतनी दुकानों में तोड़फोड़ हुई, वो लोग जो भी हों उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर सरकार कह रही है कि एक साजिश या षड्यंत्र है तो एक जांच होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं जो साजिश कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे या जो भी पत्थर जमा कर रहे थे, जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का कोई हो, अगर उसने दंगा फसाद वहाँ पर किया है, किसी की जान ली है या जान माल को नुकसान पहुँचाया है, तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, है ना। तो ये कुछ बड़े सवाल हैं दोस्तों, बड़ी बातें हैं जो सरकार में बैठे लोग बोल रहे हैं या जो कुछ अभी तक वहाँ पर हुआ है। आपको पता है ना, 6 लोगों की जान चली गई है, 2 पुलिस पर्सनल थे, कितनी ही दुकानों को तोड़फोड़ हुई है, कितनी गाड़ियों को जला दिया गया। और सड़क किनारे, ये वीडियो देखिए, सड़क किनारे एक बुज़ुर्ग रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ कंबल वगैरह बेचता था, उसके सामान को आग के हवाले कर दिया गया। ये किसी एक धर्म से संबंधित हो सकता है, दूसरे धर्म से संबंधित लोगों की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया, है ना। तो इनका कसूर क्या है? वो चाहे कोई भी किसी भी धर्म का है, अगर उसकी दुकान में तोड़फोड़ की गई है, रोजी रोटी को नुकसान पहुंचाया गया है, तो इनका कसूर क्या है, है ना। सो, ये बड़ी बातें हैं और हमारी ओर से अपील है वहाँ के लोगों को एक बार फिर कि दंगों में कुछ नहीं रखा है, दंगों में कुछ नहीं रखा है। जो जान माल का नुकसान हो जाता है ना, उसकी भरपाई बाद में नहीं होती, इसलिए दंगों से बचो, शांति बनाए रखो, भाईचारा बनाए रखो। और ये भाईचारा आज का नहीं है, ये सालों पुराना है। एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं सारे लोग, एक दूसरे से वास्ता पड़ता है, हर रोज़ वास्ता पड़ता है, यही तो भाईचारा है, यही तो भारत है। सो ऐसा ना हो कि किसी एक चिंगारी की वजह से वो भाईचारा खराब हो जाए, वो शांति भंग हो जाए और जान माल का नुकसान हो। सो एक बार फिर हमारी अपील सभी से, आसपास जो इलाके हैं या जहाँ पर भी ऐसा हुआ, सभी से अपील है। सो दोस्तों, आप भी सोशल मीडिया पर अपील कीजिए और इस आज के मसले पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोग कमेंट कर पाएँ, और आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अपडेट आपको मिलती रहे, चाहे इसी मसले से संबंधित अपडेट हो या कोई और दूसरा बड़ा मसला हो। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।